बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हमारी हर वीडियो और हर एपिसोड का जो पर्पज़ है वो बेसिकली पेशेंट और देखने वालों के नॉलेज को अपडेट करना है, ताकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे, आप लोगों को सिम्टोमेटिकली पता हो कि मुझे इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है या इसकी अलामत क्या हैं और इस अलामत के होते हुए मुझे कौन सी बीमारी है, उसको आप अपने उस बीमारी को जानते हुए आप अपने कंसल्टेंट का इंतखाब करें और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें। आज का हमारा मौजू है वर्टिगो। वर्टिगो बेसिकली एक वो बीमारी है कि जिसमें बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, मैं खड़ा होता हूं तो मैं गिर जाता हूं, या मैं चलता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। और ऐसी कंडीशन में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बाज़ दफ़ा ऐसी मिस कम्युनिकेशन होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या डॉक्टर्स के पास रश होने की वजह से पेशेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट बार बार आता रहता है, वो कहता है मेरे चक्कर ख़त्म नहीं हो रहे। तो हम जो है ना वो कहीं पे उनको ड्रिप देते हैं, कहीं पे कोई उनको ताकत की मेडिसिन देते हैं, कहीं पे उसको कोई ना कोई इंजेक्ट करके वक्ती तौर पे उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे केसेस देखे हैं, उनको ट्रीट किया है कि जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है इस कंप्लेंस के साथ कि मुझे चक्कर आते हैं, मेरा सर घूमता रहता है, या मैं दाएँ बाएँ अगर लेटा हुआ मैं दाएँ बाएँ अपनी करवट लेता हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा होता और मुझे इस तरह लग रहा होता है कि सब कुछ घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मेरी सबसे पहले जो मेरी टेंशन डाइवर्ट होती है वो ये होती है कि हम पेशेंट को सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पेशेंट के जो दोनों कान हैं, यानी ENT का जो सिस्टम है, नाक कान गला, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके कानों के अंदर कोई वैक्स है या फंगल इन्फेक्शन है या उसमें रेशा बन रहा है, या प्रॉपर ये चेस्ट इन्फेक्शन के साथ या टॉन्सिलाइटिस के साथ पेशेंट चल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में इसके नाक कान गले के अंदर एक रेशा रहता है और स्पेशली जो है वो इसके कान के अंदर वैक्स का जमा होना या उसमें फंगल इन्फेक्शन का बनना या कान के अंदर पीप और रेशे का मुसलसल रहना, तो ये भी एक बड़ी काज होती है वर्टिगो की। ऐसे जब वर्टिगो के साथ पेशेंट हमारे पास आता है तो वो आके इसी कंप्लेन के साथ कि मुझे चक्कर आते रहते हैं, मैं ऊपर खड़ा होता हूँ तो गिरने की कोशिश करता हूँ, तो फिर दूसरी कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि हम उसका ब्लड प्रेशर जो है वो उसको मेजर करते हैं कि इसको जो है वो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है या वो हाइपोटेंसिव का पेशेंट है। बाज़ कंडीशन में BP बहुत ज़्यादा लो हो तो भी चक्कर आएंगे, लेकिन स्पेशली आपके सर का घूमना, आपके जो है वो फोरहेड के साइड ऊपर प्रेशर रहना या आपकी गर्दन और गर्दन के साथ आपके सर को चकराना, ये बेसिकली वर्टिगो है। और वर्टिगो के अंदर हम आपके स्पेशली नोज़ और एयर को प्रॉपर देखते हैं कि इनके अंदर नर्व सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है या यहाँ पे वैक्स कटी हुई है, यानी मैल है। अब ऐसी कंडीशन में जब हमें पता चलता है कि पेशेंट के कान के अंदर मैल है या रेशा बन रहा है या फंगल इन्फेक्शन है या पेशेंट ने कोई कॉटन बर्ड को अंदर यूज़ किया, उससे कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बार बार इसी कंप्लेंट्स के साथ आता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे चक्कर कम नहीं हो रहे, हम उस चक्कर को टाइटल करने के लिए या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या इस कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए हम कोई भी ऐसी मेडिकेशन करते हैं जो वक्ती तौर पे उसको एंटी वर्टिगो हो, यानी उसके चक्कर को थोड़ी देर कम करे या उसकी पेशेंट की जो कंप्लेंट है उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व किया जाए। अगर वो पेन के साथ, चक्करों के साथ आ रहा है तो हम उसको पेन किलर दे के उसको टाइटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आज आपके साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद और ये डिस्कशन करने का मकसद कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ शेयर करने का मकसद कि जब भी आपको इस तरह की कोई कंप्लेन हो कि आपका ऊपर वाला हिस्सा यानी आपकी नेक, फिर उसके बाद आपका फोरहेड या आपका सर या कानों की साइड से आपको ये लगे कि मुझे पेन भी रहता है, मुझे चक्कर भी आते हैं, मेरा सर घूमता रहता है, तो ये बेसिकली वर्टिगो है। अब इस वर्टिगो को टाइटल करने के लिए आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट के पास, फैमिली फिजिशियन के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और जाकर उनको ये बताएं कि मुझे इस तरह की कंप्लेंस होती है, मेरा सर वजनी रहता है, मुझे चक्कर आते हैं, मैं उठता बैठता हूं तो भी चक्कर आते हैं, मैं अगर लेटता हूं या मैं लेटती हूं तो मुझे फिर भी चक्कर आते हैं, जब मैं साइड लेता हूं या लेती हूं तो मुझे फिर भी चक्कर आते हैं। तो ऐसी कैफियत में
आपका कंसल्टेंट जो है वो फ़ौरी तौर पर आपके नोज़ और आइज़ को देखेगा, फिर उसके साथ आपके एयर की अंदरूनी मुआयना करने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन के साथ अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, वैक्स है कान के अंदर तब चक्कर आ रहे हैं, या उसके अंदर पीप रेशा है, पज है, या इस तरह की कोई कॉटन बर्ड यूज़ करने से इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी इस इशू को रिजॉल्व करेगा, तो आपका वर्टिगो बेसिकली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि आपके कानों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नाक की हड्डी नहीं बढ़ी हुई, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, आपके साइनोसाइटिस के अंदर रेशा नहीं है, या आपके फोरहेड के अंदर पेन मुसलसल नहीं रहता, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आपको चक्कर आते हैं तो फिर हम इसके अल्टरनेट वे के ऊपर जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, इसकी शुगर का लेवल क्या है, और इसके साथ साथ फाइब्रोमेल्जिया का ये पेशेंट तो नहीं है। फाइब्रोमेल्जिया हम ये कहते हैं कि जो आपकी शोल्डर के दरमियान से थोड़ा आप ऊपर जाएं तो आपकी जो गर्दन है, फिर इस गर्दन से लेके आपके सर के आधे वाले हिस्से के दरमियान में अगर आपको बोझ रहे, वहाँ पे दबाव रहे, दबाव के साथ पेन हो, उस पेन के साथ आपको चक्कर आए, तो इसको हम बेसिकली फाइब्रोमेल्जिया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट की कंप्लेंस को सुनते हैं, उस कंप्लेंस के बाद अपना फिज़िकली मुआयना करते हैं, फिर उसके साथ कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऐड करनी है तो वो उसको ऐड करते हैं, फिर जो कंप्लेंस हमारे सामने आती है या जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका पेशेंट की एडवाइस होती है हमारे पास, या उसकी रिकमेंडेशन हम जो उसको देते हैं कि अगर उसका एयर इन्फेक्शन है, नेजल इन्फेक्शन है, या उसका टॉन्सिलाइटिस है, या इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वर्टिगो पेशेंट के ऊपर हैवी है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले जो है वो कंप्लेंस को रिजोल्व करते हैं, फिर प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देते हैं, वो 7 डेज़ का भी हो सकता है, 10 डेज़ का भी हो सकता है, 2 to 4 weeks भी कंटिन्यूसली इसको चलाया जा सकता है। तो हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मकसद कि जब भी आपको इस तरह के चक्कर आएँ, वर्टिगो आपको लगे, यानी आपका सर भारा हो, सर चकराए, कानों के अंदर रेशा महसूस हो, या कानों वाली साइड भी आपकी वजनी फील हो, या आवाज़ें आपको प्रॉपर सुनाई ना दें, या आपकी नज़र का जो कोई इशू हो, बाज़ दफ़ा आपकी नज़र वीक होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र वीक है, उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी से भी चक्कर आ सकते हैं, इसी तरह आपकी एचबी लेवल अगर लो है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस से भी चक्कर आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो वर्टिगो की असल जो किस्म है वो वही है कि जब आपका सर चकराए और सर के साथ साथ फोरहेड जो है वो वजनी महसूस हो, और लेटते हुए खसूसन जब आप करवट बदलें तो भी आपको चक्कर फील हो, जब आप अपने बेड से नीचे उतर के खड़े हों तो तब भी आपको अगर चक्कर महसूस हो, या चक्कर इस तरह का महसूस हो कि आपने सामने किसी चीज़ की तरफ प्रॉपर गौर से देख रहे हैं और वो देखते हुए उस चीज़ के दौरान आपको चक्कर आना शुरू हो जाएं, या आप किसी एक जगह के ऊपर अपना फोकस करें और उस दौरान में आपको चक्कर आए, तो बेसिकली ये वर्टिगो है। और वर्टिगो को टाइटल करने के लिए आपको कंसल्टेंट या ENT स्पेशलिस्ट या कोई भी जो आपका रिलायबल फैमिली फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट है उससे एडवाइस लिए बगैर कोई भी मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हमने अपनी किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, बेसिकली हम सिर्फ उसकी सिम्टोमेटिकली जो आपकी बॉडी में चेंजिंग होती हैं हम उसको कोशिश करते हैं कि इसको उठाया जाए और अपने व्यूअर्स को वेल अवेयर किया जाए और उनको सिम्टोमेटिकली चेंज के बारे में आगाही दी जाए, और हमारी इस आगाही को लेकर पेशेंट अपने अंदर जो उसकी डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसको जज करे, फिर उसके बाद अपने कंसल्टेंट के पास जाके प्रॉपर उसका इलाज कराए और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंप्लेंट जो पेशेंट लेकर हमारे क्लिनिक पर रिपोर्ट हो रहा होगा, हम इंशाल्लाह उसी को एड्रेस करेंगे और उसी के अंदर ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के अपने तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर्स, पेशेंट और देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।